बेटा आज का हमारा आर्टिकल है संक्षारण। संक्षारण को एक और नाम से जानते हैं, कुरुजन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संक्षारण होता क्या है। आप देखते हैं कि जब भी कभी आप किसी धातु को या किसी धातु के टुकड़े को वायु और नमी में खुला छोड़ देते हैं, तो वायु और नमी में खुला छोड़ने पर होता क्या है, उस धातु की बाहरी सतह धीरे धीरे खराब होने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो वायु और नमी की उपस्थिति में किसी भी धातु या उस धातु के टुकड़े की बाहरी सतह का खराब हो जाना कहलाता है संक्षारण। अब संक्षारण जो है वो हर एक धातु में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैं कुछ धातुओं को बता दूं, लोहे को यदि वायु और नमी के कांटेक्ट में रखा जाए तो लोहे की बाहरी सतह पर भूरे रंग की परत जम जाती है और इस भूरे रंग की परत को कहते हैं जंग। तो लोहे के संक्षारण होता है तो लोहे पर बाहरी सतह पर भूरे रंग की परत जम जाती है। एक धातु आती है सिल्वर, जिसको चांदी के नाम से जानते हैं। अगर कभी चांदी का संक्षारण होता है, हम इसे वायु या नमी के कांटेक्ट में रखते हैं, तो चांदी की सतह पर काले रंग की परत जमने लगती है, या ऐसा लोग कहते हैं चांदी काले रंग की होने लगी है। इसका अर्थ है चांदी की सतह पर भी संक्षारण प्रारंभ हो गया है। तांबे की पुरानी वस्तुओं को या कांसे की पुरानी वस्तुओं को अगर देखा जाए, तो तांबे और कांसे की पुरानी वस्तुओं पर आप देखेंगे कि यदि उसको उस तांबे या कांसे की वस्तु को वायु या नमी के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो तांबे या कांसे की वस्तु की बाहरी सतह पर हरे रंग की परत जमने लगती है। हरे रंग की परत का जमा होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि धातु के टुकड़े का संक्षारण हो रहा है। स्वर्ण धातु का भी संक्षारण होता है, लेकिन क्योंकि स्वर्ण धातु की क्रियाशीलता बहुत कम होती है इसलिए स्वर्ण धातु का संक्षारण भी बहुत धीमा होता है। और स्वर्ण धातु का संक्षारण होता भी है तो हमें कैसा दिखाई देता है कि स्वर्ण धातु जब नई हम उसको देखते हैं नए रूप में, तो स्वर्ण धातु अत्यंत चमकीली होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, चमकीली सतह होती है। परंतु जैसे ही उसे कुछ वर्षों तक यूज करते हैं और वो स्वर्ण धातु के बने उपकरण वायु और नमी के कांटेक्ट में आते हैं, धीरे धीरे उनकी चमक क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो मैं क्या देखता हूं, तकरीबन सभी धातुओं का संक्षारण होता है। और सभी धातुओं के संक्षारण में एक खास बात रहती है कि वे धातु का संक्षारण तभी होता है जब धातु नमी या वायु के कांटेक्ट में आती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें से है कि कभी भी किसी भी धातु का संक्षारण सदैव धातु की बाहरी सतह से प्रारंभ होता है, क्योंकि अगर धातु के टुकड़े को लिया जाए तो वायु और नमी का जो अटैक होता है वो धातु की सतह पर ही हो सकता है, धातु की भीतरी सतह पर नहीं हो सकता, क्योंकि धातु के भीतर नहीं हो सकता अटैक। अटैक केवल धातु की बाहरी सतह पर होता है, संक्षारण भी वहीं से प्रारंभ होता है। तो क्योंकि संक्षारण के विषय में हम लोगों ने थोड़ी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर दी है, सबसे पहले लिख लेते हैं संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण को लिख लेते हैं, कहते हैं जब किसी धातु के टुकड़े को वायु और नमी के संपर्क में रखा जाता है, वायु और नमी के संपर्क में रखा जाता है तो धातु की बाहरी सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे नष्ट होने लगती है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धातु में इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं।
धातु में इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु में इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अच्छा, ये तो संक्षारण हो गया। अभी संक्षारण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले संक्षारण वायु या नमी द्वारा ही होता है। यदि आप किसी धातु के टुकड़े को वायु और नमी दोनों से बचा सकते हो तो फिर उस धातु का संक्षारण कभी होने वाला नहीं है। तो संक्षारण के लिए पहली बात क्या है कि संक्षारण को हमेशा अगर होता है तो संक्षारण तभी हो पाता है किसी धातु पे जब वो वायु या नमी के कांटेक्ट पे आती है। अगर आप किसी धातु को वायु और नमी दोनों से बचा सकते हो तो फिर उस धातु का संक्षारण होने वाला नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी लिखते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट लाइन? कि संक्षारण सदैव धातु की बाहरी सतह से प्रारंभ होता है। धातु की बाहरी सतह से प्रारंभ होता है, बाहरी सतह से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो संक्षारण में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेने जरूरी हैं, जिनको मैंने यहां लिख रखा है। अभी एक और चीज पूछेंगे, देखेंगे कि आखिर धातु के संक्षारित होने के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हम कैसे पहचाने कि किसी धातु का संक्षारण हो रहा है। तो मैं कुछ धातुओं के संक्षारण को लिख देता हूं कि उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। जैसे फर्स्ट नंबर पर लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत का जमना, भूरे रंग की परत का जमना। तो लोहे का संक्षारण तब होता है जब लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत जमने लगती है। संक्षारण का पहला एग्जाम्पल। दूसरा कहता है चांदी की सतह का काला होने लगना। यदि चांदी के टुकड़े पर संक्षारण प्रारंभ होगा तो चांदी की सतह काली होने लगेगी। ये सिल्वर पर संक्षारण का एग्जाम्पल हो गया। तांबे और कांसे पर कैसा होता है तो उसको भी ले लेते हैं। तांबे व कांसे की सतह पर हरे रंग की परत का बनना, ऐसे संक्षारण को पहचान सकते हैं। एक एग्जाम्पल और संक्षारण के विषय में लिख सकते हैं कि स्वर्ण धातु के संक्षारण की पहचान कैसे की जाए। तो स्वर्ण धातु के संक्षारण को कैसे पहचाना जा सकता है कि स्वर्ण धातु अपनी चमक को धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है या खो देता है। तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, स्वर्ण धातु की चमक कम होना। वैसे ये इफेक्ट बहुत दिनों में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण धातु अपने आप में बहुत ही कम क्रियाशील है।
इसलिए ये वायुमंडल में उपस्थित वायु और नमी से अभिक्रिया भी धीमे करती है, क्योंकि स्वर्ण धातु वायु और नमी से बहुत धीमी अभिक्रिया करती है। स्वर्ण धातु का संक्षारण एक लंबे समय में आपको समझ में आता है, और समझ में भी कैसा आता है, केवल कि स्वर्ण धातु जो है वो अपनी चमक कम कर देती है, बस ऐसे समझ में आता है। एक और लिख देते हैं, यहां पे एक एग्जांपल और है। एल्यूमिनियम, कि सतह का धुंधला होना, का धुंधला होना, तो यदि एल्यूमिनियम की सतह धुंधली होती जा रही है तो भी इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि एल्यूमिनियम धातु का संक्षारण स्टार्ट हो गया है। तो इतने प्रकार से कुछ धातुओं के संक्षारण को पहचाना जा सकता है। बहुत सारी धातुएं हैं, उन सभी धातुओं पर संक्षारण के तरीके अलग हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं, बाकी मैंने पूरे एग्जाम्पल आपको नहीं बताए हैं। अच्छा, संक्षारण की हेडिंग को पढ़ने के बाद हमारे यहाँ एक और आर्टिकल आता है कि जंग लगने की प्रक्रिया को समझाना होता है, कि जंग कैसे लगता है, या जब भी किसी लोहे के टुकड़े पर जंग लगता है, पहले एग्जाम्पल को ये, यदि किसी लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत जमा होती है या उस पर जंग लगता है, या ऐसे कह सकते हैं कि उस धातु का संक्षारण होता है, तो संक्षारण के दौरान, संक्षारण प्रक्रिया के दौरान उस धातु पर कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं जिसके कारण लौह धातु का संक्षारण होता है, हमें वे अभिक्रियाएं दिखानी होती हैं, और उन अभिक्रियाओं के दिखाने को कहा जाता है जंग लगने की क्रियाविधि। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि जंग लगने की क्रियाविधि क्या है। यहां लिखे देते हैं, जंग लगने की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। अब जंग लगने की क्रियाविधि को समझने से पहले, सबसे पहले मैं एक लोहे का टुकड़ा बना देता हूं, ये मैंने बना दिया लौह धातु का टुकड़ा, और लौह धातु के टुकड़े पर यहां पर मैंने बना दी दरार, क्योंकि जंग या संक्षारण सबसे पहले वहीं प्रारंभ होता है। कहां पर? खुदरी सतह पर या दरारों पर। अब क्या होता है कि मैंने यह बनाया, यह है लोहे का टुकड़ा, इसको कुछ अलग तरह से समझते हैं। क्या हुआ, जब यह लोहे का टुकड़ा नमी के कांटेक्ट में आया तो मैंने नमी के लिए यहां से बना दिया ये जल की बूंद। तो बेटा ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है जल की बूंद। अब ये जल की बूंद जो है वो लोहे के कॉन्टेक्ट में आ गई है। जैसे ही जल की बूंद लोहे के कांटेक्ट में आएगा, लोहा जल से अभिक्रिया करेगा, और इस बार अभिक्रिया करके, लोहा जब जल से अभिक्रिया कर रहा होगा, लोहे का टुकड़ा का यह भाग एनोड की तरह कार्य करेगा। तो लोहे का टुकड़ा जैसे ही जल के कांटेक्ट में आया, लोहे का टुकड़ा एनोड की भांति व्यवहार करेगा। तो मैं यहां लिख दूं कि इसके प्रक्रियाएं या इस पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समतुल्य रहेंगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, लोहे के संपूर्ण टुकड़े में वह भाग जो नमी के कॉन्टेक्ट में है, लोहे के टुकड़े का वह भाग एनोड की तरह कार्य करेगा, और लोहे के टुकड़े का बचा हुआ शेष भाग वो कार्य करेगा कैथोड की तरह। अभी एनोड और कैथोड से एक बात समझ में आती है, ये भाग एनोड की तरह कार्य करता है, इसका अर्थ है ये इस पर ऑक्सीकरण होगा। लोहे के टुकड़े के शेष भाग पर कैथोड की तरह कार्य करेगा तो उस पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी। मैं क्या सोचता हूं, इस प्रकार से तो लोहे का संपूर्ण टुकड़ा एक प्रकार के सिल्क की तरह व्यवहार करने लगता है। भाई लोहे का एक भाग एनोड की तरह कार्य कर रहा है, बाकी भाग जो बचा हुआ है वो कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसका अर्थ तो यही है कि एनोड भी है कैथोड भी है इस टुकड़े में,
तो ये तो एक प्रकार का सेल बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, जब भी लोहे पर जंग लगता है वो एक प्रकार के सेल की भांति व्यवहार प्रकट करता है। लेकिन हम सबसे पहले चेक करेंगे जब नमी के कॉन्टेक्ट में लोहा आया उस पर अभिक्रिया क्या होती है। जब बेटा लोहे का फॉर्मूला Fe और जब ये नमी के कॉन्टेक्ट में आता है तो नमी के कॉन्टेक्ट में आते ही ये बदल जाता है Fe डबल पॉजिटिव चार्ज में। और डबल पॉजिटिव चार्ज का अर्थ जानते हो, Fe ने अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है, और क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है मैंने दो इलेक्ट्रॉन जस्ट साइड में बना रखे हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि लोहे का टुकड़ा का वह भाग जो नमी के कॉन्टेक्ट में या जल की बूंद के कॉन्टेक्ट में आता है वह भाग पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है और लोहे का टुकड़ा अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देता है। तो लोहे का टुकड़ा है Fe डबल पॉजिटिव चार्ज बदल गया और उसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो जो उसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन लोहे के उस भाग को मिलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन उस भाग को मिलेंगे जो लोहे का भाग वायु के कॉन्टेक्ट में है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, लोहे ने दो इलेक्ट्रॉन जो त्यागे हैं वो इलेक्ट्रॉन लोहे के उस भाग के लिए ट्रांसफर किए जाएंगे, लोहे के उस भाग पर जाएंगे जो लोहे का भाग वायु के कॉन्टेक्ट में है। अब मैं क्या देखता हूं, लोहे के उस भाग पर अभिक्रिया को देखते हैं जो वायु के कॉन्टेक्ट में है। मैंने बताया था वायु वाला भाग जो लोहे का है वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, तो मैंने कैथोड लिख दिया यहां पर। अब कैथोड की तरह व्यवहार कैसे करेगा, सबसे पहले वायु उस भाग पर आकर टकराएगी, तो वायु का फॉर्मूला O2 प्लस, साथ में उस पर आएगा H प्लस आयन, तो इसको थोड़ा सा और सही ढंग से लिख लेते हैं, प्लस 4H प्लस आयन, और साथ में बेटा उसको मिलेंगे चार इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे सर जी लोहे के टुकड़े ने तो दो इलेक्ट्रॉन दिए थे लेकिन आपने यहां चार इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं। तो बेटा मैं बताऊं, लोहे का एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन देगा, लोहे के इसमें से बहुत सारे परमाणु होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यहां पर लोहे का एक परमाणु आप देख रहे हैं अभिक्रिया के दौरान दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन बेटा इस भाग पर लोहे के ना जाने कितने परमाणु होंगे और वे सभी परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों में चार इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा वायु वाला हिस्सा जो कि कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। और जैसे ही ग्रहण करेगा तो उसको देखो अभिक्रिया करने का तरीका क्या है, चार एच प्लस हैं और चार ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो चार पॉजिटिव चार्ज चार निगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और अभिक्रिया के दौरान बचेगा क्या उसको लिख लेते हैं, तो चार एच दो ओ अभिक्रिया करके बना लेंगे टू एच टू ओ। तो इस प्रकार से अभिक्रिया हो गई कैथोड पर। तो कैथोड और एनोड की दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं लिख ली हम लोगों ने। हाँ, इसमें से एक बात बच्चे के दिमाग में आ सकती है, सर जी हम ये समझ गए इस अभिक्रिया में O2 कहां से आया, वायु से आया। दूसरी बात समझ गए सर जी इलेक्ट्रॉन कहां से आया, आप बताओगे एनोड वाले हिस्से से कैथोड वाले हिस्से को इलेक्ट्रॉन दिए गए वायु। लेकिन एक बात प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है कि एच प्लस आयन कहां से आया है। तो बेटा इस बात को अभी पढ़ेंगे कि अभिक्रिया में एच प्लस आयन को कहां से निकाल कर रखा गया है। अब मैं क्या सोचता हूं कि अगर यह लोहे का पूरा टुकड़ा में से एक भाग एनोड का कार्य कर रहा है, दूसरा भाग कैथोड का कार्य कर रहा है, तो पूरे के पूरे टुकड़े पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के लिए हमें एनोड और कैथोड की रासायनिक अभिक्रियाओं को आपस में क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं, देखो कैसे क्या क्या फैक्ट लिखते हैं कि सबसे पहले एनोड पर कौन कौन अभिक्रिया करता है। तो एनोड पर आपने देखा, सॉरी, एनोड पर धातु का टुकड़ा रहता है और जल, दोनों मिलकर कौन से अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं, ऑक्सीकरण। अब मैं लिखूंगा कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई, तो बेटा कैथोड पर आप जानते हो कैथोड पर कौन आया, एक तो सबसे पहली बात धातु तो रहने वाली ही है क्योंकि धातु का ही संचरण होगा, वायु, और वायु के कांटेक्ट में आकर जो अभिक्रिया हुई उसको कहते हैं अपचयन।
मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न हुई। अगर हम इस पूरे टुकड़े पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ें तो हमें एनोड और कैथोड दोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ देना चाहिए। तो देखो कैसे इस बात को लिखेंगे, संपूर्ण धातु में संपन्न होने वाली, संपूर्ण धातु में संपन्न होने वाली क्रिया की संपूर्ण धातु के टुकड़े पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। तो संपन्न होने वाली संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पढ़ेंगे, दोनों ही रासायनिक अभिक्रियाओं को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, एफी डबल प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या थी, ओ टू प्लस फोर एच पॉजिटिव आयन प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, एरो का साइन लगाते हुए टू एच टू ओ। और क्योंकि इन दोनों को आपस में जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए बेटा देखो यहां चार इलेक्ट्रॉन है, उस अभिक्रिया में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करेंगे पहली वाली रासायनिक अभिक्रिया में दो से गुणा कर देंगे। तो दो का जब दो में गुणा होगा चार इलेक्ट्रॉन होंगे और ये चार इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे। अब बचता क्या है उसको देखते हैं। लेफ्ट साइड पर बचता है Fe प्लस ओ टू प्लस फोर एच प्लस आयन, राइट साइड पे क्या बचता है, Fe डबल प्लस के बाद बचता है प्लस टू एच टू ओ। तो इस प्रकार से इस पूरे टुकड़े पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समझाया जा सकता है। अब कहेगा कि क्या सर जी लोहे पर लगने जंग लगने की प्रक्रिया यहीं पर बंद हो जाती है, तो बेटा यहां पर बंद नहीं होती, एक स्टेप और पढ़ना पड़ेगा। अब क्या होगा, Fe डबल प्लस चार्ज और जो ये 2H2O बचता है, Fe डबल प्लस चार्ज और 2H2O वायु के कांटेक्ट में आता है। तो मैं यहां लिख देता हूं Fe डबल प्लस चार्ज और जो 2H2O होता है ये आता है वायु के कांटेक्ट में, और वायु के कांटेक्ट में आते ही अभिक्रिया करता है। तो देखो कैसे अभिक्रिया करता है, 2Fe पॉजिटिव चार्ज था तो इसमें से दो का गुणा होना था बेटा, दो का गुणा करवा लेते हैं, थोड़ा सा दो का गुणा करवा लेते हैं। तो 2Fe पॉजिटिव चार्ज और जल तो पहले से था, साथ में वायु से अभिक्रिया हुई, तो वायु से अभिक्रिया करके बनता है Fe2O3 प्लस 4H प्लस आयन। इस अभिक्रिया को बैलेंस करने की भी कोशिश करोगे सेम बैलेंसिंग आएगी आपकी। Fe जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Fe2O3 बनाता है और साथ में बनता है 4H प्लस आयन। कोई पूछता है इस अभिक्रिया को कैसे नाम देंगे, तो बेटा इस अभिक्रिया को कहते हैं वायुमंडलीय संक्षारण। अब लास्ट स्टेप है बेटा इसका कि ये Fe2O3 का क्या होता है। तो लास्ट स्टेप में Fe2O3 को पढ़ेंगे कि Fe2O3 पर अब कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो बेटा कुछ भी नहीं, Fe2O3 जो है वो इस जल से अभिक्रिया करता है, और कितने मोल जल से अभिक्रिया करता है तो किसी को अंदाजा नहीं कितने मोल जल से अभिक्रिया करता है, इसलिए मैंने लिख दिया है XH2O। और जब ये Fe2O3 XH2O से अभिक्रिया करता है तो बना लेता है Fe2O3 into XH2O, और बेटा इसी फॉर्मूले को कहते हैं जंग। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपसे जंग लगने की क्रिया विधि आएगी आप इस पूरे फिगर को और साथ में इन रासायनिक अभिक्रियाओं को सॉल्व करके आएंगे। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में अगर कभी कहता है वायुमंडलीय संक्षारण को आप रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दिखाएं, तो बेटा वायुमंडलीय संक्षारण को दिखाने के लिए ये लाइन आपको लिखनी होगी, और संक्षारण की क्रियाविधि को संपूर्ण रूप से दिखाना है तो आपको टोटल ही सारी चीजें लिखनी होंगी, और लास्ट में यह भी दिखाना होगा कि जो Fe2O3 है ये नमी के कॉन्टेक्ट में आकर बनाता है जंग का निर्माण करता है, और जंग का ये फॉर्मूला होता है। इस पूरी संपूर्ण अभिक्रियाओं में मैंने एक बात लास्ट के लिए छोड़ी थी, और जो बात लास्ट के लिए छोड़ी थी उसको यहां पढ़ लेते हैं। देखो क्या पढ़ लेते हैं,
क्या बात छोड़ी थी, मैंने कहा था ये 4H पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया में मुझे बाकी तो समझ में आ गया लेकिन 4H पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है इसका आंसर नहीं मिला। तो हम लिखेंगे 4H पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आए, आखिर अभिक्रिया में O2 वायु से आई, 4 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एनोड वाले भाग से आए, लेकिन जो 4H पॉजिटिव चार्ज था ये कहां से आया इस बात का कोई खास अंदाजा हम लोगों को नहीं मिला। तो अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि 4H पॉजिटिव चार्ज आयन जो था वो कहां से प्राप्त हुआ। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है बेटा, देखो क्या ध्यान रखना है कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि वायुमंडल में जो नमी है, नमी का फॉर्मूला H2O, और वायुमंडल में बहुत सारी गैसें, और उन बहुत सारी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो कि वायु में उपस्थित नमी पर घुल जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में उपस्थित नमी पर घुल जाती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में उपस्थित नमी पर घुल जाएगी तो क्या बनेगा, तो दोनों बेटा आपस में अभिक्रिया करेंगे और एक पदार्थ बनाकर तैयार करेंगे H2CO3, और इसका नाम याद होगा, इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। तो मैं क्या बताऊंगा सबसे पहले कि वायु में उपस्थित नमी और वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं कार्बोनिक अम्ल, और यह जो कार्बोनिक अम्ल होता है यह कार्बोनिक अम्ल आयनों में टूटता है। तो आयनों में जब यह टूटता है तो आयनों में टूटने के दौरान यह H पॉजिटिव चार्ज बनाता है और CO3 डबल माइनस चार्ज बना लेता है, क्योंकि अम्लीय है और अम्ल जो है वो नमी के कांटेक्ट में आकर आयन में क्या होते हैं, टूटते हैं। तो अम्ल के टूटने से H प्लस आयन बना था जिसको हमने अभिक्रिया में यूज किया। तो और कभी अभिक्रिया में लास्ट में आपको बताना है कि जंग लगने में H प्लस आयन कहां से आता है, तो आप बताओगे H प्लस आयन कहां से आता है, सबसे पहली बार बताओगे वायुमंडल में नमी भी है, जल भी है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। जब जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है, और यह कार्बोनिक अम्ल जब आयनों में टूटता है तो आयनों में टूटने के दौरान हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन प्राप्त होते हैं। इसी हाइड्रोजन आयन को हमने यहां पर यूज किया है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि H प्लस आयन कहां से आएगा, तो उसका यह आंसर लिख करके आना है। तो एक काम करेंगे, जंग लगने की क्रियाविधि को हम पढ़ ही चुके हैं तो इसको जल्दी से नोट करते हैं और फिर इस बात को पढ़ते हैं कि अगर हमारे किसी भी धातु के टुकड़े का संक्षारण हो रहा है या वो धातु का टुकड़ा लगातार खराब होता चला जा रहा है तो हम उसे कैसे या किन विधियों द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसे संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं फिर पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं संक्षारण से बचने के उपाय। अगर आप किसी धातु के टुकड़े को संक्षारित होने से बचाना चाहते हैं, आप उस पर कौन कौन से वर्क कर सकते हैं जिससे धातु का संक्षारण रुक जाए या ना हो। तो मैंने कुछ नंबर यहां लिख रखे हैं। पहला नंबर लिखा हुआ है धातु को वायु या नमी में ना आने देना। यदि किसी भी धातु के टुकड़े को आप वायु और नमी दो चीजों से बचा सकते हो तो कोई भी धातु का टुकड़ा कभी संक्षारित नहीं होगा, क्योंकि धातु का टुकड़ा संक्षारित कब होता है, जब वायु या नमी आती है धातु के टुकड़े की बाहरी सतह पर टकराती है और उसे खराब कर देती है। और जब आप धातु की बाहरी सतह को वायु या नमी पर आने ही नहीं दोगे तो वो धातु का टुकड़ा कभी खराब होने वाला नहीं है। सेकेंड नंबर मैंने लिखा है सतह पर पेंट करके। अगर आप किसी धातु के टुकड़े की सतह पर पेंट कर देते हो तो अब होता क्या है, वायु या नमी आती भी है तो पेंट से टकराकर वापस लौट जाती है, धातु के टुकड़े पर पहुंच ही नहीं पाती। बाहरी सतह पर पेंट थी, नमी आई, धातु वायु आई और पेंट से टकराकर वापस लौट गई, क्योंकि वो पेंट से ही टकराकर वापस लौट गई, धातु के टुकड़े तक नहीं पहुंच पाई। हम इस बात को बताएंगे कि अब संक्षारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट नंबर लिखा है सतह पर बिसफिनॉल का लेप लगाना। बेटा बिसफिनॉल क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल है। अगर आपकी धातु की सतह पर बिसफिनॉल का लेप लगा देते हैं तो जब वायु या नमी आती है तो अब वो वायु या नमी जो है वो धातु के टुकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है, वो बिसफिनॉल की सतह पर ही टकराकर वापस लौट जाती है, और क्योंकि बिसफिनॉल से ही टकराकर वापस लौट जाती है इसलिए अब धातु के टुकड़े का संक्षारण नहीं होना है।
कहता है सतह पर तेल या ग्रीस का लेप करके। अगर किसी धातु के टुकड़े पर तेल या सतह तेल की सतह पर तेल या ग्रीस का लेप लगा दिया जाए तो भी धातु का संक्षरण नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे मोटर वाहनों या साइकिल्स पे आप करते क्या है कि उसके कुछ हिस्से पर जहां पर जंग लगना होता है आप वहां पर तेल या ग्रीस लगा देते हैं। अब तेल या ग्रीस लगाने पर होता क्या है, नमी और वायु आती भी है तो तेल या ग्रीस से टकराकर वापस लौट जाती है, वो डायरेक्ट लोहे के कॉन्टेक्ट में या धातु के कॉन्टेक्ट में आकर उसे खराब नहीं कर पाती है। तो अगर आप सतह पर तेल या ग्रीस की परत भी लगा दोगे किसी धातु की तो भी उसे खराब होने से बचाया जा सकता है। लास्ट में एक और नंबर है, कहता है सतह पर अक्रिय धातुओं जैसे टिन और जिंक की लेप या परत चढ़ाकर। आपने घरों पर टीन शेड देखे होंगे, टीन शेड पर होता क्या है, लोहे का टीन शेड बनाया जाता है और उस पर जिंक या टिन धातु की परत को चढ़ा दिया जाता है। अब अगर लोहे के टुकड़े पर जिंक धातु की परत चढ़ा दी गई है तो सबसे पहले अगर कोई परत खराब होगी तो वो जिंक की, वायु नमी आएगी पहले जिंक की परत खराब होगी, और क्योंकि जिंक नमी के प्रति एक प्रकार की अक्रिय धातुएं हैं तो जिंक की परत जल्दी से खराब ही नहीं होती है, और क्योंकि जिंक की परत बहुत वर्षों तक खराब नहीं हो पाती है इसलिए बहुत वर्षों तक संक्षरण भी नहीं होता और हम उस टीन शेड को जो है वो लंबे समय तक टिकाऊ बना करके रख सकते हैं। तो ये ऐसे उपाय हैं जिससे आप धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरे पास इंपॉर्टेंट, जो कि काफी बार मैंने देखा है परीक्षाओं पर आया करता है। तो वो क्वेश्चन क्या है, कहता है लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक क्रिया है, कारण द्वारा समझाइए। तो कहता है जो जंग लगती है लोहे पर ये एक प्रकार की विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसको बताता है कारण सहित। सबसे पहले इस बात को पहचान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, किसको विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान चीज है बेटा, जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यदि कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु या कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को संपन्न करा रहा है, या आप दोनों को ना कहना चाहो तो ऐसा कह दो रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न करा रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अगर दोनों एक साथ होंगे तो उसको रेडॉक्स बोलते हैं। तो यदि कोई भी पदार्थ रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न करता है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को संपन्न करता है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं आप विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। अब ध्यान देने वाली बात है, लोहे पर जंग लगने के मैकेनिज्म को आपने देखा था, मैकेनिज्म में लोहे का एक भाग एनोड की तरह काम कर रहा था जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो रही थी, दूसरा भाग कैथोड की तरह वर्क कर रहा था जिस पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न हो रही थी। इसका अर्थ है लोहे पर जब जंग लगता है लोहे का ऑक्सीकरण भी होता है और लोहे के एक भाग पर अपचयन भी होता है, क्योंकि लोहे के अलग अलग भागों पर ऑक्सीकरण और अपचयन संपन्न हो रही है, इसका अर्थ है ये एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैंने वही बताया है कि लोहे का वह भाग जो जल के संपर्क में रहता है उस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात ऑक्सीकरण होता है, और लोहे का वो भाग जो वायु के कॉन्टेक्ट में रहता है, जो शेष भाग बचता है वायु के कॉन्टेक्ट में रहता है, उस पर अपचयन की क्रिया होती है। अर्थात मैं क्या देखता हूं, इस पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों की अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान रखना है कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और चयन दोनों होने लगे, हम ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तो बेटा ये लोहे पर जंग लगने के मैकेनिज्म को पढ़ा, संक्षारण से बचने के उपाय को पढ़ा, बाकी की पढ़ाई करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।